रक्तदान महादान। जी हाँ, रक्तदान सबसे बड़ा दान माना जाता है। खून की एक बूंद जरूरतमंद की जान बचा सकती है, इसीलिए समय समय पर सामाजिक संस्थाएं रक्तदान का कैंप लगाती रहती हैं। दिल्ली के नरेला की एक संस्था फेडरेशन ऑफ नरेला सब सिटी द्वारा रक्तदान कैंप शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में करीब 300 लोगों ने अपना खून दान किया। फेडरेशन ऑफ नरेला सब सिटी पिछले 9 वर्षों से रक्तदान शिविर कैंप का आयोजन करती आ रही है और इस रक्तदान शिविर में आसपास के स्थानीय लोग और संस्था से जुड़े हुए लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और खून दान करते हैं। किया गया है फेडरेशन ऑफ नरेला की तरफ से। मैं सभी पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूं और ये एक बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि ब्लड को कहीं पे बनाया नहीं जा सकता, कहीं पे आप जनरेट नहीं कर सकते इस चीज़ को, और इसके माध्यम से आप बहुत सारे लोगों के जीवन को बचा सकते हैं। तो ये कार्य है, हम इसकी पूरी पूरी प्रशंसा करते हैं और कोशिश करेंगे कि जो भी फेडरेशन को सहयोग की जरूरत होगी हम उसमें पूरा सहयोग भी करेंगे। कितने लोग आए हैं अभी तक, कितना डोनेट किए? अभी लगभग 100 के करीब लोगों ने डोनेट किया है, और जैसा कि पीछे रिकॉर्ड रहा है, इनको पिछले 9-10 साल से कैंप लगाते आ रहे हैं, तो इसमें 250 से 350 तक लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं। ये आज फेडरेशन के ये इन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप का किया था, मुझे पता लगा तो मैं यहाँ आया हूँ। ये पिछले 8-10 साल से बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। एक तो ये अभी महामारी शुरू होने वाली है, आगे ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी, वैसे भी पड़ती रहती है, और कुछ सीजनल जो डिजीज़ हैं, चिकनगुनिया है, ये है, डेंगू है, इसमें ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो गरीब आदमी नहीं जुगाड़ कर पाता, तो उनके लिए ये काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। और इनके कहने पर, इनके अनुरोध पर काफ़ी लोग बाग आके ब्लड डोनेट कर रहे हैं, आप देख ही रहे हो। ये बहुत ही बढ़िया काम हो रहा है समाज के लिए। इसके अलावा भी ये दूसरे जो भी पब्लिक यूटिलिटी के काम हैं वो करते रहते हैं, और अधिकारियों से मिलके गरीब आदमी की आवाज़ उठाते रहते हैं। इनके फेडरेशन के जो भी अध्यक्ष हैं और जो दूसरे पदाधिकारी हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस इलाके में इतना बढ़िया काम यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि भी नहीं कर रहे, ये बगैर चुने हुए लोग बाग ये इस काम का बेड़ा उठा रहे हैं, ये धन्यवाद के पात्र हैं। और इनकी आगे ऐसे ही होता रहे, बढ़ते रहें और अच्छे काम करते रहें, मैं इनकी तरफ से और अपनी तरफ से इनको धन्यवाद देता हूँ और इनकी उन्नति की कामना करता हूँ। चार पाँच साल से तो करीब रहा हूँ, लास्ट टाइम इनका शिविर लगा था 9 सितंबर को, तब भी किया था, और आज मैंने देखा तो आज भी वही है जो ब्लड डोनेशन कैंप में ही जो दिखा हुआ है, डोनेट ब्लड सेव लाइफ। हमारे जो देश को बचाने वाले जो हमारे साथी हैं वो अपनी जान वहाँ पर देते हैं, उनके जो गोलियाँ लगती हैं वहाँ पर उनको ब्लड की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। अगर हम उनको इस ये छोटा सा योगदान अगर हम दे पाएँ, उनकी मदद कर पाएँ किसी तरीके से, तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, फेडरेशन ऑफ नरेला लगभग 8-9 साल से ये कार्य कर रहा है, और हर 3 महीने में हमारी संगठन के द्वारा ये ब्लड का आयोजन किया जा रहा है, ब्लड डोनेट कैंप, जिसमें सभी साथियों का सहयोग होता है और जन समूह जो उमड़ के आता है यहाँ। पिछले में भी हमारी लगभग 285 यूनिट इकट्ठा हुआ था, जो नरेला क्षेत्र में पहली बार ऐसा हुआ है। और हमारे संगठन का जो उद्देश्य है वो यही है
कि इस बीमारियों में जो डेंगू और चिकनगुनिया आते हैं उनको देखते हुए फेडरेशन ऑफ नरला ने हर समय ये निश्चित किया है कि बीमारी के पहले एक हम कैंप का आयोजन करें ताकि गरीब जनता को आसानी से ब्लड उपलब्ध हो सके। यही फेडरेशन का उद्देश्य है और सभी साथी निस्वार्थ भाव से इसमें अपना सहयोग दे रहे हैं और आप सभी के सहयोग से ये कार्य हर साल में 3 बार 4 बार संपन्न होता है। क्या भारतीय सेना के लिए कुछ इसमें से डोनेट किया जाता है? देखिए, ये तो सभी के लिए है, सेना के अलावा आम जन के लिए भी है। और सेना के लिए तो जब चाहे जब तैयार हैं हम, उसके लिए कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन आम जनता में जो गरीब हैं, जिनका कोई भी नहीं है, जो एक रिक्शा वाला है, चाय वाला है और भी गरीब है, उनको ब्लड उपलब्ध नहीं हो पाता क्योंकि हर जगह बिक्री करना ज़्यादा होता है। हमारे संगठन की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट उसको ब्लड दिलाया जाता है और कोई भी साथी हमारे यहाँ आता है तो खाली हाथ नहीं जाता, उसको समय में ब्लड उपलब्ध होता है। फेडरेशन ऑफ नरेला सब सिटी के अध्यक्ष जोगिंदर दहिया का कहना है कि वे अब तक 100 बार खून दान कर चुके हैं और लोगों को जागरूक भी करते रहते हैं कि वह भी अपना खून दान करते रहे। दिल्ली से प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।